हमने एक सैंपल अभी रिसेंटली 15-20 दिन हो गए उसको हमने सेट कर दिया और हमें लग रहा है कि वो इस सफाइस आवर पर्पज़ जो हमारे रिक्वायरमेंट है वोल की उसकी काउंट की तो वो बिल्कुल ठीक ठाक है। आज हम उसी कारपेट पे वी हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट कारपेट, अब हम उस कारपेट वीविंग कर रहे हैं करवा रहे हैं एंड आई एम श्योर कि उस पे हम विल बी सक्सेसफुल इन दैट और हमें लग रहा है कि ये बड़ी अच्छी ब्रेक थ्रू होगा इंडस्ट्री के बारे में। इससे हमारा एक तो जो वूलन सेक्टर है उसको भी बूस्ट हो जाएगा एंड हमारा कारपेट इंडस्ट्री में भी है उसको भी बूस्ट मिलेगा बिकॉज मुझे जो दिखा ये वूल द क्वालिटी इज़ फंटास्टिक। वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर सो दैट स्टेक होल्डर्स वोंट सफर एनी मोर। हमने अभी रिसेंटली ठाकुर साहब से प्रिंसिपल कमिश्नर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स वी हैव सजेस्टेड कारपेट मॉडल कारपेट विलेज इन सुंबल सोनावारी वेयर इन ऑल जो हमारे स्टेक होल्डर्स होंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे उसको एक ऑर्गेनाइज्ड शेप देके वो नहीं हमारे पास आ जाए हम उनके पास जाके ये एक ऑर्गेनाइज्ड शेप दें। तो आने वाले दिनों में आप इसमें काफ़ी देखेंगे पेशरफ्त होगी एंड वी आर ऑन इट। आपसे यकीन दिलाते हैं अगर ऊपर वाले का साथ होगा विल बी बैक ऑन ट्रैक। जो ये कदम है गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया है कि जो कश्मीर से ये प्रोडक्ट तैयार होगा इसमें कश्मीर में भी बेचेंगे बेकेंगे अच्छी तरह से बेकेंगे जो लोकल का लोकल किया है वो भी लेंगे जो बाहर से आते हैं वो महंगा पड़ते हैं। मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है मैं सिलिकॉन सिल्क में काम किया और उस टाइम मैं देख रहा हूँ कि मैं मेरे पास बहुत खुशी की बात है कि मुझे भी मौका आया कि इसमें काम करने का वूलन कारपेट इसमें शाइनिंग भी बहुत अच्छी है। आज के डेट में मेरे को लगता है कि फिर से एक स्विच करने की ज़रूरत है टुवर्ड्स वूलन कारपेट क्योंकि जो अमेरिकन मार्केट है जो दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है वहाँ पे जो खपत है वो वूलन कारपेट्स की होती है और मेजॉरिटी जो वहाँ पे कारपेट्स जाते हैं वो भदोही से जाते हैं। जम्मू कश्मीर की एक एडवांटेज है कि जम्मू कश्मीर इज़ सेकंड लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसर और हमारा सारा वूल बाहर जाता है फिर बाहर से यार्न बन के वापस यहाँ आता है और यहाँ जो है हम कारपेट्स बनाते हैं तो उससे जो है हमारे रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ जाते हैं।